And let's now move on to some news from Andhra Pradesh. The Union Home Ministry for the first time has conceded that it is not possible for the investigating agency, the CBI, to crack the Makkah Masjid bomb blast case. మక్కా మసీద్ పేలుడు కేసులో మరో కీలక నిందితుని జాతీయ దర్యాప్తు సంస్థ ఎన్ఐఏ అధికారులు అరెస్ట్ చేశారు. మక్కా మసీద్ పేలుళ్ల కుట్రదారులకు షెల్టర్ ఇచ్చిన కేసులో ఇతను 7 నిందితుడు. నమాజ్ పడకే పబ్లిక్ నిగర్ రీతి జనా పిచ్చే బమ్ బ్లాస్ట్ హువా ఉస్కే బాద్ మే పబ్లిక్ భాగ్ రీ థీ భాగ్ రీ థీ తో జనా పోలీస్ అచానక్ జనా ఫైర్ కర్ దీ ఉస్మే 8 ఆద్మీ మరే హై బమ్ ధమాకా హువా ఉసీ తరఫ్ సే హమ్ సమ్జే లారీ కా టైర్ బ్లాస్ట్ హువా మగర్ నహీ పడా ధమాకా హువా యే आपको मालूम पड़ा वो बच्चों के साथ क्या हुआ जिसको लिए Who do you think is responsible? Mostly they are blaming for Pakistan people, but I don't think so. It is the environment of Pakistan people is in that because it is a kind of political issues only. I don't have much of idea about it, but then I know that so many youths were arrested, especially Muslim youths were. Arrested in the name of blast, and like they were subjected to so much of torture and trauma. And however, eventually it turned out to be that some fundamentalist organization were actually responsible behind the blast. The Telugu newspapers covered it a little more. Every time they would talk about this new suspect, like who's some faceless guy, and it would just die out. So I still have no idea who did it and. We all are responsible for it. I mean, there is a difference in ideology. Some people think in some other way, and some other people think in some other way. So there has to be some uniqueness in thinking. हम लोग खुद हमारे business में busy रहते हैं, क्या किधर हो रहा पता ही नहीं कुछ. मेरा नाम सैयद इमरान खान है और मैं जो है एक मक्का मस्जिद ब्लास्ट हुआ था जिसमें मुझे एक्यूज़ बताया गया था और ये जो केसेस स्टार्ट हुए थे इसमें पुलिस वालों ने सबको ये बताया गया था कि ये केसेस में किसी को भी बुक नहीं किया गया है मक्का मस्जिद के केसेस में मगर कंप्लीट मीडिया में ये रिपोर्ट थी कि ये ब्लास्ट मैंने ही करवाया है ये जो RDX मैंने मंगवाया है और मैं जो है एक मास्टरमाइंड हूँ ये ब्लास्ट के पीछे और जब मैं पकड़ा गया था जब मैं एक बैंक में जॉब करता था तो उन्होंने मुझे बोला कि मैं जो है टेररिस्ट का फंड्स मैनिपुलेट कर रहा हूँ और ऐसे बहुत सारे एलिगेशंस मेरे ऊपर लगाए गए थे अब उसके बाद में क्या हुआ था कि ये जो एलिगेशंस लगाए गए थे एक नॉर्मल सी वो था कि ये सब रॉन्ग प्रूफ हो गए हैं पहले उन्होंने मुझे पकड़ा एक फिल्मी अंदाज में उन्होंने पकड़ा मैं एक नॉर्मल सा बच्चा था जो क्रिकेट खेल कर घर आया था वापस इंजीनियरिंग थर्ड ईयर का बंदा था मैं क्रिकेट के घर आया था और कुछ दावत में जाके आया था मैं सो रहा था तो वहाँ पे एक उन्होंने 4 से 5 गाड़ी पुलिस लाई और एक फिल्मी अंदाज में मुझे पकड़ा गया था और ये जब पकड़ के जब मुझे ले गए तो मुझे पता ही नहीं था कि ये मुझे किस लिए किस वजह मुझे ले जा रहे हैं और जैसे मुझे टास्क फोर्स ऑफिस में शिफ्ट किया गया तो मुझे वहाँ पर पता चला कि मैं जो है मुझे ये केस में एक्यूज़ बताया जा रहा है तो मैं वहाँ पे कुछ बोल ही नहीं सका और मैं उन्हें समझाने की बहुत कोशिश किया कि मैं ये सब केसेस में नहीं हूँ मेरा ये सब चीज़ों से कोई ताल्लुक़ नहीं है तो फिर उन्होंने मुझे ऐसी वैसे कुछ बेकार की बातें की और उन्होंने मुझे मारना शुरू किया जब मैंने थोड़े दिन के बाद में देखा तो CBI ने क्लियरली पेपर में एक स्टेटमेंट दिया था कि ये बच्चा इसमें नहीं है इसे गलती से फंसाया गया है तो वो करके चले गए वो सिर्फ 6 महीने के बाद में ही CBI आई और वो करके चले गए फिर भी ये पुलिस वालों ने यहाँ के हैदराबाद के पुलिस ने मुझे 18 महीने तक अंदर रखा मेरी जब जब बेल पिटीशन आती थी बोर्ड पे ये लोगों ने कभी मेरी बेल पिटीशन को उसके अगेंस्ट में ये लोग पता नहीं क्या पिटीशन डालते थे तो मेरी हर बार बेल पिटीशन कैंसिल होती थी 18 महीने पूरे केस कंप्लीट हुआ लगे मुझे केस कंप्लीट करने के लिए जैसे ही मैं वापस आया 2 दिन नहीं गुजरे तीसरे दिन मेरे घर के सामने बहुत सारे लोग आ गए अब हर एक के पास एक एक पेपर था कोई बोल रहा है कि मेरे दामाद मेरी बेटी को बहुत सता रहा है वो एक था कई ऐसे थे कि किसी ने मेरे ज़मीन खींच ली है वैसा पेपर्स और कई ऐसे थे कि किसी ने मुझे बोला कि कोई मेरी बहन को सता रहा है आप चलिए एक गुंडा टाइप इमेज बना दी थी मेरी मैं परेशान हो गया यार मैं ये सब चीज़ों में नहीं हूँ मैं अब मुझे मेरी जो आइडेंटिटी थी वो मेरे को छवि मेरे को सुधारने के लिए मुझे 1 साल लग गया कंप्लीट उसके बाद में द होल कंट्रोवर्सी इफ यू नो वाज दैट आफ्टर 2 consecutive or 3 consecutive bomb blasts in the city,
They picked up these 20-odd boys belonging to a single community, giving an impression that probably they got the theme that if you belonged to a community, you were a terrorist. And this is a very serious mindset, a very uncomfortable mindset and a very unhygienic mindset. It is more particularly in a secular society. Now, there could be neighboring countries where there are no pretensions about being secular. But the moment we claim to be a secular country, it becomes a part of our being, a part of our collective social accountability to ensure that we respect all religious beliefs at equal value. I noticed that many of them were picked up with absolutely nothing in common between the guys picked up. What police did was, like their regular way of style of functioning, they have picked up a lot of Muslim youth from the locality. They have picked up some innocent, relatively innocent, and some people who have a regular fundamentalistic attitude or approach and who are under their watch. जो भी पुलिस के रेडार पे थे पहले से, यानी ये लोग ये थोड़े नौजवान क्या है, थोड़े फंडामेंटलिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, दर्जगाह जिहाद और शहादत, फलस्तीन में कुछ हुआ तो यहाँ पर प्रोटेस्ट करना, मक्का मस्जिद के पास कहीं ब्लास्ट हुआ इंडिया में तो यहाँ प्रोटेस्ट करना, यानी मुस्लिम के सिंपथाइजर के साथ देवर एक्टिंग. सो उन लोगों को रेडार में रखे, उन लोगों को एक लिस्ट प्रिपेयर करे कौन कौन लड़के हो सकते मेन सईदाबाद एरिया से, उनका नोट करके नाम उनको रखे हुए थे. जैसा इंसिडेंट हुआ उसके बाद इन लोगों को पिकअप कर लिया कि इन लोगों में से ही हो सकता कैसा भी. बट नन ऑफ देम आर एक्चुअली लिंक्ड टू मक्का मस्जिद ब्लास्ट केस. उसमें कुछ ऐसे भी बच्चे थे जिसको ऑलरेडी कुछ जैसा मलक पेट के जो बच्चे थे, ऐसा था कि उनको पहले ही किसी केस में, कोई बीजेपी के लीडर के केस में बुक हो गए सब बच्चे थे. तो वो लोग ये करते कि जो लोग ऑलरेडी है उनके पास जो लोग है उनको तो ये करना रहता कि किधर से भी अपना एक रिकॉर्ड बताना रहता था. तो असल मुजरिम पता नहीं कौन होते हैं, वो लोग नहीं देखते, लेकिन फटाफट अपना एक एक्टिवली काम करके बताते कि हम इतने लोगों को पकड़े, इतने लोगों को हमारे नज़दीक है और ये इसमें शामिल है. About 25-30 years ago, the Supreme Court of India in D.K. Bashi said that you must follow certain procedures when you're arresting somebody. This was not done. And one of the cardinal principles there is that when an accused is brought before a magistrate, the magistrate is required to ask the person accused as to whether he has been ill-treated in the police station or by the police during custody. And if he says that he was, he must not be sent back to police custody, he must be sent to judicial custody. The judgment also requires magistrates to record the condition of the people when they are brought before them and to make a note of that. थोड़े लोग ऐसे थे जो बिल्कुल इनोसेंट थे, उन्हें केसेस में बुक नहीं किया गया था मगर उन्हें बहुत मार मार के छोड़ा गया था, बहुत मारा गया था. मैंने ऐसे मेरे सामने, मैं खुद बोल रहा हूँ कि मैंने 100 से 150 लोगों को देखा है जो पुलिस रोज़ उन्हें लाती थी, मार मार के छोड़ती थी. शहर के अलग अलग इलाकों से उन्हें बच्चों को उठा के लाते थे और मार मार के छोड़ते थे उनको. अब ऐसे बच्चों को जिसको पता भी नहीं है कि केस क्या है, ये क्या है, वो क्या है, पुलिस क्या है, पता नहीं है, आप एकदम रात में आते हो 12 बजे, किसी को उठा के ले जाते हो घर के बच्चों को और ले जाके मार मार के छोड़ के लाते हो, तो वहाँ पे बच्चे क्या होंगे और घर वाले को क्या हाल होगा. जब मेरे को गिरफ्तार करे तो ऐसे तरीके से गिरफ्तार करे कि एक वाइट टाटा सुमो आई जिसमें कोई नंबर प्लेट नहीं था, कुछ नहीं था, और सामने जो लोग बैठे हुए थे मुंह पे नकाब लगाए हुए थे, पुलिस वाले थे, ड्रेस सिविल ड्रेस में थे, मुंह पे नकाब लगाए हुए थे. मैं घर के बाहर खड़ा हुआ था, आए और जैसा किडनैप किया जाता किसी को वैसा किडनैप करके ले गए चले गए. जब हमारे घर में महल्ले में ये बात मालूम हुई कि मोहतसिम को कोई किडनैप कर लिया, समझे लोग. नहीं पहले देखिए, जो भी लड़कियों को पिकअप कर रहे थे बच्चों नौजवानों को, उसमें थोड़े लोगों को हम ऑफ द रिकॉर्ड बात भी कर रहे थे, यानी जो थोड़े पुलिस वाले भी हमारे सोर्स रहते हैं, जो सिंपथाइजर रहते हैं, उनके थ्रू बात कर रहे थे. लोग क्लियरली बोल दिए हमारा इन्वॉल्वमेंट इसमें नहीं है, अगर है तो हमारे को फांसी दे दो बोल के बोले. वो टाइम पर हमारे को उसमें इन्वॉल्वमेंट ही नहीं है बोल के इन्हें क्लियरली बोले. और उनके पेरेंट्स भी बोल रहे थे कि ब्लास्ट के टाइम पे लड़का यहाँ था, वहाँ था, नहीं क्लियरली है कि एक्सप्लेन नहीं कर सकते लेकिन मालूम हो जाता हो.
और शहर में कोई ऐसा भी नहीं है कि कोई जाके पूछे पुलिस से, क्योंकि पुलिस के सामने कोई एहतजाज या मीडिया का कोई प्रेशर नहीं लेती, क्योंकि पुलिस स्टेशन में ट्रांसफर्स होते रहते, कोई ख़ास एक पुलिस वाला बैठ के ये काम नहीं कर रहा। जो डायरी लिखी हुई है वही डायरी पे फिल इन द ब्लैंक्स शहर असेंबली। Ghettos was what the police were running within the heart of the city. And like the world that kept quiet at the Hitlerian massacre, we will have to account if it is, if we don't make enough noise at the right time. किसी भी तरीके की यानी एंटी नेशनल एक्टिविटीज शो करना है पुलिस को किसी भी उसमें, तो एक कॉमन नाम मेरा उसमें हमेशा रहेगा कहीं ना कहीं। फिर 2007 में मक्का मस्जिद में धमाका हुआ, तो पुलिस की तरफ से इंट्रोगेशन कॉल था कि केस बुक नहीं किए थे, बुला बुला के पूछ रहे थे कि कौन किए, मुसलमान करे, ऐसी थ्योरी पुलिस के पास थी। तो उस पर हम लोगों ने हमेशा यही जवाब दिया कि कोई मुसलमान मस्जिद में नहीं कर सकता, लेकिन पुलिस मानने को तैयार नहीं थी हैदराबाद की। और पुलिस यही चाह रही थी कि जैसा पुराने केसों में सबके नाम डाल के केस ख़त्म कर देते, वैसे इसको भी ख़त्म कर दिया जाए। द पुलिस इज नॉट एबल टू पुलिस, इट डजंट नो हाउ टू पुलिस। सो व्हाट इट डज इज इन अ प्रीएम्प्टिव डैमेज कंट्रोल एक्सरसाइज, इट ट्राइज टू पिक अप एज मेनी पीपल एज पॉसिबल टू क्रिएट अ फियर साइकोसिस, so that people belonging to a certain section of society apprehensively, that's not policing, that is violation of human rights, which the police seems to be routinely doing. ghar mein bhi log pareshan ho gaye aur sab jane yahi samajh rahe the ki zyada andesha yahi tha ki makka masjid dhamakon ke usme iska abscond accused mein naam hai, police wale aise hi giraftar kar rahe the, police wale hi giraftar kar rahe honge। to mere ghar wale aur mohalle ki khawateen ek memorandum leke और एक कंप्लेन लेके कि किडनैप हुआ है या कौन या कोई किडनैप करे या पुलिस अरेस्ट करी, ये जल्द से जल्द शो करो। इसके लिए सैदाबाद पुलिस स्टेशन पे मेरे घर वाले और महल्ले की लेडीज़ जाके इन लोगों को यानी पुलिस वालों से बात करे ऐसा है वैसा है, तो पुलिस वाले वो FIR लेने के लिए तैयार नहीं थे और वो मेमोरेंडम लेने भी तैयार नहीं थे, जिस पर थोड़ी बहुत नारेबाजी हुई। पुलिस वाले क्या करें, बाहर से एडिशनल फोर्स मंगाए, उन लोगों के ऊपर लाठी चार्ज करें और 29 लेडीज़ को भी केस बुक कर दिए कि ये पुलिस पार्टी पे हमला करे। मैं तो जेल में था, मेरे घर के पूरे लेडीज़, इवन मेरी एक भांजी थी 2 महीने की, वो भी जेल में थी। पुलिस वही मक्का मस्जिद ब्लास्ट के केस में एक दूसरे लड़के को पकड़ी, वो दूसरे लड़के के कन्फेशन स्टेटमेंट में ये बताया गया कि वो लड़का का नाम बलीगुद्दीन जाबिर है, कि बलीगुद्दीन जाबिर, उसका भाई मुकीमुद्दीन यासिर और मोतसिम बिल्ला, ये तीनों लड़के शहर के और 5 लड़के गुजरात के और मध्य प्रदेश के हैं, जो सिमी के हेड है सफदरनगोरी वगैरह, उन लोगों से ये लोग बातचीत करके एक टेरर कैंप ऑर्गेनाइज करने वाले थे हैदराबाद में। फिर से वैसे एक कॉन्स्परेसी केस बुक करे उसके कन्फेशन स्टेटमेंट, वो केस एक रेडीमेड अभी है समझिए, वो केस बना के छोड़ दिए। There was police terrorism in this whole thing, and that is very, very, very painful. In a system governed by the rule of law, the only authority that the police enjoys is the authority given to them under the rule of law. Every act of them outside the boundaries drawn for them within the constitution and the laws therein are violations of law. The purport of terrorism is to get your eyeballs to notice the whole thing, and that exactly is what the police did with these young boys. हाँ, यहाँ पर पुलिस का रोल जो है ना काफ़ी सस्पिशियस है। पुलिस ने जो है ना 2 FIR इसके रजिस्टर्ड किए हैं, एक FIR जो है जो बम फटा है और एक FIR जो बम नहीं फटा है। और मक्का मस्जिद की इंक्वायरी जो थी वो CBI को ट्रांसफ़र हो गई थी, तो सिटी पुलिस का इसमें कोई रोल नहीं था। लेकिन उस पर भी सिटी पुलिस हैदराबाद की एक चालाकी करी कि मक्का मस्जिद में एक बम फट गया था और एक बम बच गया था, तो जो बम बचा हुआ था उसकी इंक्वायरी सिटी पुलिस रख ली, जो फट गया था उसकी इंक्वायरी CBI को दे दी। तो जो बचा हुआ बम, जो लाइव बम मिल गया था, उसकी इंक्वायरी के लिए सिटी पुलिस पुराने लोगों को फिर से उठा रही थी। प्रेस के सामने इन तमाम पेरेंट्स को प्रेजेंट कर दिया हमने कि देखिए भाई, ये पेरेंट्स हैं, इनके बच्चे गायब हैं, इन लोगों का कहना है कि कोई उठा के लेके गया है, और सिविल लिबर्टीज़ का यह मानना है कि पुलिस ने इनका किडनैप किया है, इनको इलीगली डिटेन किया है, इनको जो है टॉर्चर किया जा रहा है,
और जो हमारे सोर्सेस हैं उसके मुताबिक इनको हैदराबाद के आउटस्कर्ट्स में जो फार्म हाउसेस हैं वहाँ पर रखा गया है। सोचते थे कि कोर्ट में गए तो कैसा रहेगा, पुलिस में गए तो कैसा रहेगा, एक पुलिस से खौफ भी महसूस होता था, लेकिन अब वो खौफ पुलिस की वजह से ही क्लियर हो गया। अब कोई अफसोस भी नहीं है, गम भी नहीं है, बल्कि अब कभी केस में नाम आया बोल के मालूम हुआ तो एक किस्म की राहत हो रही, चलो नाम आ गया बोल के रूटीन हो गई। अब जैसा एक आदमी 3 टाइम खाना खाता वैसा ये बात पक्की हो गई कि हैदराबाद में जहाँ कुछ भी होगा मोहतसिम का नाम आएगा। वी शुड ऑल्सो लुक एट द अदर साइड ऑफ द एंगल, लाइक विदाउट डिटेनिंग और आस्किंग एनीबडी एनी सस्पेक्ट पुलिस कांट डायरेक्टली गो टू द परपेट्रेटर, बट इन द प्रोसेस यू कांट फिजिकली टॉर्चर। डिटेनिंग देम और क्वेश्चनिंग देम इज नॉट ए क्राइम। If police has right under the act to question anybody, to detain anybody and question them on suspicion, but harassing them, humiliating them, torturing them, they have no right. तो FIR में जो बताया जाता है कि हम बच्चे को ये टाइम ये दिन पकड़े, लेकिन जब बच्चे से और उनकी माँ से पूछा गया तो बच्चा ये बताया कि हमारे को जिस दिन पकड़े थे वो टाइम अलग था और वो दिन भी अलग था। जब पकड़ते समझो उसके 8-10 दिन बाद उनको इलीगल हरास करने के बाद बताते कि आज हम इनको उनके घर से पकड़ के लाए। एक चीज़ थी वो कोलगेट की तरह कुछ पाउडर लाया उन्होंने, ये क्या है, तो मैं बोला कोलगेट है तो वो बोला नहीं ये RDX है, तो अच्छा RDX है इधर लाओ देखता हूँ बोल के बस। तो वो ऐसी चीज़ें होती है, अब वो मुझे सामने गन रख के बोलते ये क्या है, मैं बोला गन है गन तो समझ में आया, छोटे बच्चे छोटे बचपन से देखते हैं हम गन, अगर देखें तो समझ में आए गन है। तो वो बोले नहीं देखो वर्ल्ड ट्रेंड है गन है उसे पता है, ये क्या बात हुई ये अब मेरे सामने लाते हैं ये लोग एक 4 दाढ़ी वालों के फ़ोटो लाते हैं ओके, अब मुझे मार मार के पूछते हैं ये किसकी फ़ोटो है बोल। अब मैं मार खा रहा हूँ, कितनी देर मार खाऊँगा, 5 मिनट 10 मिनट घंटा 1.5 घंटा 2 घंटे। अब उसके बाद में मैंने क्या किया, फाइन मारो मत मैं नाम बोलता हूँ चारों के, क्या नाम है। अब मैंने मेरे दिमाग में जितने मुस्लिम नाम थे सब बोल दिए, अब्दुल जब्बार रसा मल्लेश वल्लेश सब नाम बोल दिए। तो उन्होंने क्या किया, उनको जो जो नाम चाहिए थे वो टिक कर लिए, टिक करके उन्होंने ये बता दिया कि हाँ इसके पूरों के साथ लिंक है। अब मेरे को क्या पता कौन है वो तो ऐसी इंट्रोगेशन ऐसी होती है हमारे पास, तो इतनी प्यारी प्यारी इंट्रोगेशन थी आपको क्या बताऊँ मैं तो। फिर बाद में इसलिए हंसता था मैं कमिश्नर के सामने आके, इसलिए हंसता था कमिश्नर है चप्पल लेके मुझे मार रहा है, अरे यार कमिश्नर है तू तेरी इज्जत रख तू बैठ और तू बंदों से मार खिला मुझे अगर तेको मारना भी है तो, तू कमिश्नर तू चप्पल लेके मुझे मार रहा है। तो मैं देखता था मैं बोलता था देखो मेरी भी क्या वैल्यू है, कमिश्नर उठ के मार रहा है चप्पल से। Now what happened when I went to the jail and saw these boys was shocking. उन्हें ऐसे ऐसे तरीके से टॉर्चर किया गया कि उसको वो एक सिविल सोसाइटी में रहने वाला शख्स जो है सोचकर शर्मिंदा हो जाता है। उन्हें जो है इलेक्ट्रिक शॉक दिए गए, अगर कोई मुसलमान जो मुसलमान जिसकी दाढ़ी होती है उसके दाढ़ी के बालों को जो है नोच कर निकाल दिया गया। अब मारना जो होता है नॉर्मल सा मारना अलग बात है और वो 3rd degree टॉर्चर देना अलग बात है। मेरे प्राइवेट पार्ट्स पे उन्होंने करंट शॉक्स दिए थे और मारते जा रहे थे, मारना भी इतना भी इतना मारा मुझे, मुझे 3 दिन उन्होंने बिल्कुल मेरे आंख पे एक भी कपड़ा नहीं था, मुझे एक जंजीर से बांध दिया गया था और एक विंडो पे लटका दिया गया था और 3 दिन मुसलसल मुझे मारते रहे। तो हम लोगों ने जेल में जाकर उनसे मुलाकात की। एक यूथ जो है ना, एक नौजवान उस वक्त जो है मिलने के लिए आ रहा था तो वो लंगड़ते हुए आ रहा था और कुछ उसके पाँव पे जो है कुछ चीज़ लटकती हुई नज़र आ रही थी। मैं समझा कि वो शायद दस्ती जो कर्चीफ होती है वो बांध लिया है, तो मैं पूछा कि क्यों अपने पाँव पर जो है वो कपड़ा बांध लिया, क्या हुआ है तुमको, तो उसने कहा नहीं लतीफ़ भाई मैं कुछ बांधा नहीं हूँ, ये मेरे पाँव का तलवा है जो नीचे लटक रहा है। पुलिस वालों ने मुझे एक टेबल पर लिटा कर और इतनी लाठियां मेरे तलवे पे मारी हैं कि मेरे
मैं चलने के काबिल नहीं रहा और मेरे पाँव के पूरे तलवे जो है ना निकल गए हैं। इलेक्ट्रिक शॉक से ज़्यादा जो हुआ नार्को एनालिसिस टेस्ट कराया इसका कलीम का, 2 मरतबा कराए। नार्को एनालिसिस इज नॉट साइंटिफिकली अप्रूव्ड बाय फोरेंसिक साइंटिस्ट अक्रॉस द वर्ल्ड। द ओनली कंट्री एंड द ओनली 2 लैब्स दैट वी आर डूइंग फॉर बेंगलोर लैब एंड अहमदाबाद लैब। बेंगलोर FSL में लेके जाकर वहाँ पर दो तीन बार नार्को एनालिसिस टेस्ट करवाए लो पुलिस वाले। और नार्को टेस्ट का भी कैसा है देखिए, शुएब जागीरदार जो बताए मेरे को उसके हिसाब से बोल रहा हूँ आपको। आप यहाँ तकरीबन हैदराबाद से 12 घंटे का रास्ता है बेंगलोर, तो यहाँ से 4-व्हीलर में जा रहे लोग, पुलिस की गाड़ी में ले जा रहे, तो उस रास्ता था वो उसको इंडॉक्ट्रिनेट करते रहते। 2 ऑफिसर्स रहते, कांस्टेबल रहता, ऑफिसर रहता नहीं मालूम, लेकिन कंटिन्यूसली बात करते रहता। अब RDX लेके आए, RDX वहाँ इमरान को दिए थे, याद है आपको? अरे मैं नहीं दिया, मैंने आप RDX लाए थे, RDX दिए थे, इमरान को दिए थे, RDX दिए थे, ऐसा कंटिन्यू बोलते जाते उसको जैसा उसको फिर आप ट्रूथ सीरम बोल कुछ रहता हो उसको जैसा इंजेक्शन लगाते हो बोलते हैं किसको दिया RDX, बोलते हैं इमरान को दिया बोल के बोलता हूँ, तो वो उसका CD बना लेते हो जैसा इससे पहले भी देखेंगे अबू सलेम का भी बनाए थे ऐसे। यू नो वॉट, वन डॉक्टर मालिनी हु इज सपोज टू बी द एक्सपर्ट हियर, दैट बॉय इज अंडर यू नो सेडेशन, ही इज अंडर दिस सोडियम पेंटोथायल और वट एवर इट इज दैट ड्रग, एंड शी इज स्लैपिंग हिज फेस टू ब्रिंग हिम इनटू यू नो सेमी कॉन्शियस स्टेट, एंड शी इज टेलिंग हिम बोलो मैं करा बोलो, गॉट इट? इट्स प्लांटिंग अ थॉट इन हिज माइंड टू मेक हिम से दैट्स नॉट नार्को एनालिसिस, दैट इज प्लांटिंग ऑफ एविडेंस, दैट इज फैब्रिकेशन ऑफ एविडेंस, दैट डॉक्टर शुड बी प्रोसिक्यूटेड। द वुमन द ऑफिसर साइंटिफिक ऑफिसर हु हैड डन वाज सैक्ड बिकॉज ऑफ फॉल्स सर्टिफिकेट्स। द पुलिस सेज दे वर नॉट होली काउज, ब्रिलियंट। आवर आर्ग्यूमेंट इज नॉट दैट दे वर होली काउज, आवर आर्ग्यूमेंट इज दैट वी एक्सपेक्ट द पुलिस टू ऑब्जर्व एंड फॉलो द लॉ merely because a man has committed some act, even a criminal act in the past, does it entitle the police to violate that person's human rights? And the most dangerous aspect of all this is that the police action goes to date untouched, non-criticized. Not even a police constable has been suspended for 24 hours. Now this is appalling. I think it shocks any sensible person's conscience. So I think it was an inexcusable act of terrorism on the part of the state. The Criminal Procedure Code prescribes a methodology by which an arrest is to be made, and if a police officer violates it, you punish him for that. You have Article 21 which guarantees you life and liberty, and it can only be taken by a method known to law, and this is not the method known to law. So punish the policemen, let the signals go that if you break the law, you're as good as or as bad as the guy who thieves a purse. Unless that is done, this kind of misconduct by police officers will continue unabated because they don't suffer any adverse consequences. In fact, if you look at the records of those officers who fired on that crowd at Makkah Masjid, you will find that one person was allowed to retire honorably, another person was promoted, I don't know about others. After people have made admissions in a commission of inquiry under oath, that the FIR filed by the officer who filed the FIR did not contain the facts, and he wrote the FIR according to the directions of a senior officer sitting in the police station, the man is not charged with fabricating false evidence. By not charging these people, what message is the state giving to the police? Do as you will, you will be protected. And what is the message to the citizens? Whatever may be your rights under the constitution, we don't care, we will do as we please. Hardly proper governance, isn't it? They're not going to be touched, they're not going to touch the policemen, because they know it's an unholy alliance between the police and the political executive. Look how they both function in tandem at all points of sensitivity in the history of this country. It won't happen. I have
I am extremely, extremely cynical about this. I believe that the police get their authority from the political executive. The political executive get their brazen attitude from the support of the police. The government must realize that unless it wakes up and addresses these issues in a positive manner, for which if necessary, it should create a private structure, a cell, a group of people whom it considers capable of looking at events dispassionately and giving it an objective viewpoint of what various communities believe should be done. The government should factor in those things into its policy making so that its policy is more responsive to what the needs of various communities are. Instead, the government seems to be routinely allowing the police to go about its activities high-handedly, and these systemic failures caused huge misgivings in the minds of the minority community that they were not being treated with justly by the state's law implementing agency, not even the law enforcement, the judicial establishment. ये कभी ऐसा मुसलमानों को धोखे में नहीं रहना चाहिए कि कांग्रेस की गवर्नमेंट है मुसलमानों का फेवर करेंगी, तेलुगु देशम की गवर्नमेंट है मुसलमानों का फेवर करेंगी, ऐसा नहीं होने वाला है। हुकूमत किसी की भी बने, वो चीफ मिनिस्टर रहेगा, उन्हें नल, लाइट, रोड, ड्रेनेज ये चीज़ कर सकता, मुसलमानों के लिए एजुकेशन के वास्ते फ़ंड दे सकता, लेकिन किसी का पावर नहीं है, ये पावर पुलिस के पास ही है खाली। लोगों के जहन में गम है, गुस्सा है और एक किस्म से जो है बेचैनी है कि आखिर हमारे साथ ऐसा क्यों किया जा रहा है, आखिर हमने क्या है इस हुकूमत के साथ। हम तो इस हुकूमत को मानते हैं, इसके कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को मानते हैं, इसकी डेमोक्रेसी को मानते हैं, इसकी पार्लियामेंट को मानते हैं, इसकी जुडिशरी को मानते हैं, लेकिन इसके बाद भी हमको क्यों टारगेट किया जा रहा है, एक बड़ा क्वेश्चन है जो मुस्लिम नौजवानों के जहन में है और इस क्वेश्चन का जवाब देना है यहाँ के इंडियन डेमोक्रेसी को, इंडियन सेकुलरिज्म को। ये एक शो है कि इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, ऐसा कुछ नहीं है। What about the minority political parties? Have they... No comments. I think their silence has spoken eloquently on how much the community can depend on them. It was the holy month of Ramzan. There were some of the families who did not have food to eat during that period. People who live off them did not have the courtesy to stand by. जो पावर में है उनकी जिम्मेदारी है कि वो लोग जाके प्रेशर डालें कि क्या ये 100 बच्चे वाकई में कसूरवार हैं या इनका कोई पुराना रिकॉर्ड है। इस तरह से उनको बुक होने से पहले अगर हम छुड़ाते हैं तो वो हमारे लिए बेहतरीन कारनामा है। बुक होने के बाद उनको हम जेल से बाहर ला रहे हैं तो वो कोई हमारा कारनामा नहीं है। ऑलरेडी वो उनको वहाँ जाना है, वो केस में उनको ज़िंदगी बर्बाद होना है और बाद में उनका नाम हमेशा के लिए ख़राब है। मैं खुद हेल्प के लिए गया था, हमारे जो बैरिस्टर है हाँ। असदुद्दीन अवैसी, उनके पास गया था और मैं मेरे वालिद साहब गए थे। मैंने उन्हें बोला कि ऐसे ऐसे मुझे पुलिस वाले आए थे, मुझे पकड़ के लेके गए और मुझे एक दिन के बाद में पुलिस वालों ने मुझे एक दिन पकड़ा, फिर दूसरे दिन छोड़े थे। मुझे पता नहीं वो मुझे किस लिए छोड़े थे। तो मैंने बोला कि आप ऐसे ऐसा छोड़े मुझे,
तो आप इस मामले में कुछ कीजिए। उन्होंने क्या बोला था, हाँ हाँ आप जाइए मैं कर दूँगा। जब मैं नेक्स्ट टाइम मुझे पकड़ के लेके गए थे, मेरे वालिद वालदा उनके पास गए थे, तो उन्होंने मेरे वालिद वालदा से बात तक नहीं की और उन्हें हकाल दिया था वहाँ से। जब मैं वापस आया, जब पूरा केस कंप्लीट इनोसेंट है करके प्रूव हो गया, इंडियन गवर्नमेंट जब क्लियरली एपी गवर्नमेंट ने प्रूव कर दिया कि हाँ ये बच्चा नहीं है, उसके बाद में फिर वही थे कि उन्होंने आके बोला कि हाँ हमने वो बच्चे की मदद की थी और वो बच्चे को छुड़ाया है और वो बच्चे को ऐसा किया वैसा किया, ऐसा कुछ नहीं था। जो भी पार्टी है, जो भी चीज़ है, ये लोग आते हमदर्दी का इजहार करते, मेरे को भी अच्छी तरीके से मालूम है और उनको भी मालूम है कि वो कुछ भी नहीं कर सकते। आज से 10 साल पहले कभी हनुमान जयंती की रैली निकली थी? आज से 10 साल पहले कभी मिलादुन नबी की रैली निकली थी? आप लोग बोलो कि नहीं निकली थी। अभी क्यों निकल रही है? अभी क्यों निकल रही है? अभी आपको एक दिखेंगे कि ऑरेंज झंडे है ये तरफ, ग्रीन झंडे हैं, पहले कहाँ थे ये? पहले भी तो थे ना, पहले भी तो हम मुसलमान ही थे, पहले भी तो वो हिंदू ही थे। अब क्या, अभी क्यों आया वो? अभी इसलिए आया क्योंकि ये लोग जो है अपने आप को डिवाइड कर रहे हैं, अपने अंदर वो फीलिंग ला रहे हैं कि मैं मुसलमान हूँ। ये अंदर से ये नहीं ला रहे, वो जो ऊपर बैठे हैं वो लोग ला रहे हैं, लो 10,000 रुपये लोगों को ऐसी फीलिंग डालो, जभी तो वो लोग रोड डालेंगे, नहीं तो नहीं होगा, ये होगा वो होगा। अगर लोगों को हम डिवाइड नहीं करेंगे तो RSS ऊपर कहाँ से आएगी? लोगों को हम डिवाइड नहीं करेंगे तो जो भी पार्टी है, वो नाम नहीं लेना चाहता हूँ मैं, तो वो ऊपर कैसे आएगी? सिर्फ अपनी जो है सीट मेंटेन करने के लिए आप लोगों को डिवाइड कर रहे हो। ये पॉलिटिक्स बहुत गंदी है, ये पॉलिटिक्स ज़्यादा दिन नहीं चलेगी। I can understand the political executive doing this in their anxiety. I can understand the police force doing it out of lack of human sensitivity. But I cannot understand the judiciary being inattentive to certain fundamentals that they were required to follow. When detainees are produced before the magistrates for being remanded to custody, does it not strike the magistrate that there is something unusual about the fact that these people are almost always produced late at night at the magistrates' residences instead of in broad daylight? The entire exercise is obviously calibrated by the police in such a manner as to prevent these people from having proper legal representation at that material time. All these things are things of which the higher judiciary must take notice, because the higher judiciary is under a duty to ensure that the lower judiciary acts in accordance with its legal mandate, its constitutional mandate, and does things according to law. And if the higher judiciary fails in that duty to supervise properly and ensure the implementation and observing of law by the lower judiciary, I would respectfully contend that the higher judiciary stands equally indicted. That when a person is arrested and produced before a magistrate, magistrate individually asks each individual as to whether he was harmed, whether he was beaten, whether he was treated properly, etc., etc. None of these boys were asked that question. Is they have stock witnesses. This guy will come and tell you a story which exactly the policeman wants you to tell him. And the system is wholly insensitive. The system has seen this guy before in another case. Yet he doesn't connect. This is where the Indian justice system is, you know, symbolically blind. मीडिया जो है बहुत ही बैडली रिएक्ट कर रही थी, ऐसा होना नहीं चाहिए था। यानी जल्दबाजी में बोलते हैं ना, एक्टिंग इन हेस्ट, वैसा रिएक्ट करके कंक्लूजन को पहुंचाना, यानी यहाँ पर कॉम्पिटिशन को वो करने के लिए जो मन में आया लिख रहे थे। वेल मीडिया सी दे बिलीव देयर गॉड्स, आई हैव अ ह्यूज प्रॉब्लम विद देम। आई एम नेवर टायर्ड ऑफ कोटिंग एन एग्जांपल ऑफ अ पॉपुलर टेलीविजन चैनल वेयर द एंकर बिलीव्स ही इज गॉड. He's telling people off, he's throwing up his judgment at men and women, and even the best of guests are victims of God, of the God of times. Like, you can't blame it everything on media, because we, at least, like local police, their investigation skills level, investigation perspective is different. Like CBI, when it took up, it did it professionally.
when NIA, after CBI, the case, Makkah Masjid case is NIA, National Investigation. So it took up the case in more professional, like local media, national media, it differs. A section of the media which caters to the readership of the suffering lot may have made enough noise, but what about the national media? In fact, like anything happened in South India, you don't get it in the national media at all. India is Delhi and Mumbai for most television channels in this country. I'd really like the whole of South India to stop boycotting national channels so that people, they begin to believe that there is another India also. If they want to survive on Delhi and Bombay, so be it. Somewhere there is a blast. Within minutes, you find television screens, television scrolls, right? Lashkar-e-Taiba, Huji, whatever, some nice Muslim name. Has there been an investigation? Has a little bit of material from there been picked up and sent for forensic analysis? Nothing. अब तक के जितने भी ब्लास्ट थे कभी भी किसी ने कोई लाइव टेलीकास्ट नहीं किया तो उस वक्त जो है वहाँ पे एक TV9 एक चैनल है उसकी टीम वहाँ पर मौजूद थी और उन लोगों ने उस ब्लास्ट का लाइव टेलीकास्ट किया. The media, in some ways, has highly improperly, almost scandalously, sensationalized certain aspects. And I hold the media responsible for projecting in huge headlines allegations about involvement of Muslim groups and not giving the same amount of publicity when it is found that those groups are actually not involved. संदीप दांगे और रामचंद्र कालसांगरा, वो लोग तकरीबन 5 साल से एब्सकॉन्डिंग है केसेस में. अदर देन मक्का मस्जिद, अजमेर शरीफ ब्लास्ट, मालेगांव ब्लास्ट और समझौता ब्लास्ट में भी सेम अक्यूज है वो लोग. लेकिन आप भी देखे होंगे कि अभी तक कोई उसके बारे में हाईलाइट नहीं है. वही शाहिद बिलाल के बारे में इतना हाईलाइट हो रहा था कि मैंने टोटली 10% बोल सकते, जब 100% था तो 10% भी नहीं है. जितना हमको पकड़े वक्त हाईलाइट हुआ था, हम छुटे तो पेपर में 2 कॉलम की न्यूज़ भी नहीं बनी. लेकिन इंग्लिश और तेलुगु मीडिया में काफ़ी उसके खिलाफ आया, समझे, ये नए मुस्लिम सीखे हैं, हुजी, लश्कर, तो अलग अलग ऐसा वर्जन आ रहे थे. वैसा टीवी चैनल्स का भी रोल जो है इसके ऐसे ही था, प्रिंट मीडिया से भी ज़्यादा ही था. कि वो तो वो लोग भी अब नए नए चैनल्स आगे, पहले 2 चैनल था, उसके बाद 5-6 ऐसा बढ़ गए थे वो टाइम पे. तो कंपटीशन के लिए जो है जो पुलिस वाला अगर ऑफ द रिकॉर्ड बोल दिया वो उसको कैरी करके हाईलाइट कर दे रहे थे वो टाइम पे भी. यू नो जर्नलिज्म इज लिटरेचर इन हरी, यू हैव डेडलाइंस एवरी डे, सो यू हैव टू फाइल स्टोरीज क्विकली. एंड व्हेन इंसिडेंट हैपेंस अराउंड 1:30 लाइक दैट, obviously you have to give it by 7 o'clock in the evening and you have deadlines and there is little investigation being done by journalists that we have to accept. और जैसे एक थोड़े दिन हुए, इंट्रोगेशन हुआ, सब चीज़ हुई, मुझे मीडिया के सामने लाया गया, लाके एकदम बता दिया गया कि मैं जो है केसेस के पीछे मैं बहुत मेन एक्यूज्ड हूँ. और मीडिया में ऐसी खबरें आ रही थी, जब मैं पूछ रहा था उनसे कि अब मैंने तो ऐसा कुछ नहीं बोला और मैं ये सब केसेस में नहीं हूँ, तो फिर आप लोग ऐसे क्यों लिख रहे हो, तो वो लोग बोलते थे कि ये मीडिया है जो लिख रही है, हमें कुछ पता नहीं है. मगर मीडिया को कौन खबर देता है, ये लोग ही जब बोलेंगे तो ही मीडिया लिखेगी. इससे पहले तो ये उन्हें पता थोड़ी चलेगा, इन्हें थोड़ी ख्वाब आएगा कि ये बच्चा ऐसा है, इसके बारे में ये लिख दो. एंड विक्टिम्स व्हेन दे कम, विक्टिम्स फैमिलीज व्हेन दे कम टू मीडिया एंड टॉक, नोबडी स्टॉपिंग देम, दे आर पब्लिश्ड जेन्युइनली. सो इन मोस्ट केसेस विक्टिम्स रिमेन साइलेंट, देयर फैमिलीज व्हाई शुड गेट एक्सपोजर इन मीडिया. द अदर point from the victim side also, they should come out and they should speak and मैं सोचता था कि नहीं यार, अब जितना मेरे साथ हुआ है ऐसे कोई और बच्चों के साथ ना हो. इसके लिए मैंने क्या किया कि मैंने मीडिया के सामने आके ये सब बातें आगे एक फेस टू फेस मीडिया के सामने रखना शुरू किया. मेन प्रॉब्लम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से हरा फिल वक्त भी, तो इन लोगों को गाइडलाइंस तो नहीं बोलूँगा, इन्हें ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन हो जाएगा, यानी कि स्ट्रीमलाइन करने की ज़रूरत है उसके लिए, कि क्या कौन सी चीज़ को आप सेंसलाइज वो करना, कौन सी चीज़ को हाईलाइट नहीं करना. मीडिया कांट एस्केप देयर, इट कांट एस्केप फ्रॉम बीइंग ब्लेमिंग, बट एट द सेम टाइम द सर्कमस्टेंसेस शुड आल्सो बी कंसिडर्ड एंड आफ्टरमाथ रिपोर्टिंग शुड आल्सो बी टेकन इनटू अकाउंट.
जैसा एक बार वाराणसी में जो बम ब्लास्ट हुआ था, तो आज तक पे मैं न्यूज़ देख रही थी ये मक्का मस्जिद के बाद, वो फटक से बोला कि अब एक बम ब्लास्ट हुआ है, अभी और एक होने वाला है, ये सिलसिलेवार बम धमाके का नाटक वो ये मतलब, और ये इंडियन मुजाहिदीन है। उसके बाद फटा वो बोला कि ये मक्का मस्जिद से जुड़ते हैं, ये अजमेर शरीफ से जुड़ते हैं, और फिर ये बता दिया कि नहीं 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 अभी जो है फ़ौरन तीन ब्लास्ट होने वाले हैं, और ये उसमें फ़ौरन एक खाका बता देते एक मुस्लिम का दाढ़ी वाले का, वो ये क्या लोग समझने लग जाएंगे ये सब हो रहा है। But having said that, you cannot but laud the media for the manner in which it has consistently exposed the failures in the system. A model dies in Mumbai. Films are made on it. Top class film heroines are taken. They get awards for acting as one Jesse Kalal. If an Arushi happens in Delhi, every level of investigation in the case is detailedly reported in the media. I suspect national media does not have enough cameramen across the country, and that's why they don't gather this news. 25-30 young boys have been tortured for months on end. They've been in prison. How much has national media carried this? Media aaj ye baat khul ke bol sakte hai कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के हाथ में ही पावर है। पुलिस और गवर्नमेंट से ज़्यादा पावर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के हाथ में ही है। मिसाल के तौर पे बेबी फलक का जो एपिसोड चला दिल्ली में, उसको जो हुकूमत और एम्स के डिपार्टमेंट इसलिए सीरियसली है कि वो मीडिया में उसको हाईलाइट कर रहे थे, नहीं तो ऐसे कई बेबी फलक नीलोफर हॉस्पिटल में दम तोड़ते रहते रोज़। कंपनसेशन का ऐलान हुआ तो मैं ये वाजे बोल दिया था कि मैं कंपनसेशन नहीं लूँगा, क्योंकि मेरा ज़मीर नहीं मानता कि पुलिस की मार खाना और इतने केसेस झेलना, और पुलिस का रवैया भी ठीक नहीं है कि फिर जाके गवर्नमेंट के सामने भीख मांगना कि मुझे भी इसका कंपनसेशन दो। तो मैं वो उसको ठुकरा दिया समझिए कि मैं कंपनसेशन नहीं लिया और पुलिस का क्लियरेंस सर्टिफिकेट भी नहीं लिया मैं। बट देन द काइंड ऑफ मनी यू आर गोइंग टू गिव देम विल स्टिल कीप देम इन द इकोनॉमिक ग्रुप दे आर इन, and that's something you, it's comfortable for you to look down at, so you will continue to look down at them. I said you must get them into mainstream by ensuring government employment to them. Who else but the offender will have to pay the price? Get them into your services. Surely people worse than them get government jobs. They become ministers, they become politicians, they head institutions. These boys are all not guilty of any offense, so get them in. If you are willing to say that they are people with good conduct, what stops you from rehabilitating them with employment? The constitution looks at you for doing that. There's a whole part 4 of the constitution. This is the kind of government that we did not want. This is the kind of government that the British did not do with us. And even today, the political government, while it is willing to throw crumbs of bread at those who suffered, it's unwilling to correct the methodology. It's unwilling to correct the methodology because it believes that it does not want to be seen as a government that flexes muscles at an erring police. The violence of the state breeds a violence from the community, and you can't control a community violence if you cannot control the system violence. One is the product of the other. Nothing substantial has been done either to correct or to rehabilitate the process that killed the rule of law during that period. Rule of law being destroyed is not only when there's an emergency or when a whole government is thrown out or when you don't have an election. There's a crack in the rule of law when people in power believe that they are unaccountable and they can get away with even one citizen. If they can get away, I think your mechanism is suspect. We don't make the required amount of noise when illegalities and high-handedness touches a distant neighbor. The hand is going to waver slowly but very surely towards us. So at least in self-interest, we need to be shouting about this. We need to be talking about this. We need to be telling people that this is the kind of police, this is the kind of government we live with.
in a democracy, there's always a way out. Make noise. Halla bol. जो देख चुके